हेलो दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षक पात्रता परीक्षा पर जीएस के महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं। और पहला एमसीक्यू यह है कि कौन सा अनुच्छेद आपातकाल और राज्यों में राष्ट्रपति शासन का कार्य देखता है। तो इस देखिए, आपातकाल क्या होता है, ये संविधान से संबंधित है। संविधान का जो भाग 18 है वह आपातकाल के में बारे में बात करता है, और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है। इसमें तीन आपातकाल बताए गए हैं। 352 में जो आपातकाल बताया गया है वह राष्ट्रीय आपातकाल है, जबकि 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है। जब भी किसी राज्य में किसी भी प्रकार का कोई विद्रोह हो जाए या अशांति हो, तो वहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा शासन लगा दिया जाता है। जब वहाँ का राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश करता है तब राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो 352 में क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन, और 360 में लगता है वित्तीय आपातकाल। अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, और जो वित्तीय आपातकाल होता है उसमें वित्तीय आपातकाल मतलब भारत में फाइनेंशियल या मौद्रिक रूप से जब कमी आ जाए या धन का अभाव हो जाए तब यह वित्तीय आपातकाल लगता है। वैसे अभी तक भारत में यह एक बार भी नहीं लगा है, लेकिन जब वित्तीय आपातकाल लग जाता है तो केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का ही वेतन नहीं कटता है, बाकी सभी का वेतन कट जाता है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आपातकाल लागू होते हैं तब अनुच्छेद 20, जो मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 20 है और अनुच्छेद 21 है, ये निलंबित कभी भी नहीं होते हैं। तो अब हमारा जो प्रश्न था कि कौन सा अनुच्छेद आपातकाल और राज्यों में राष्ट्रपति शासन का कार्य देखता है, तो आपको बताया है कि राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो किसमें लगता है, 356 में। तो इसका आंसर है ए, 356। दूसरा क्वेश्चन है जो बहुत ही सरल है। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इसका आंसर है मोहम्मद हिदायतुल्ला। मोहम्मद हिदायतुल्ला है मध्य प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो मोहम्मद हिदायतुल्ला। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। देखिए, मतलब कोई सा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो इन तीन राज्यों की सीमाओं को छूता है, किसको, केरला को, तमिलनाडु को और आंध्र प्रदेश को। तो इसका आंसर है पुदुचेरी या पौंडीचेरी। इसका आंसर है पुदुचेरी या पौंडीचेरी, आंसर है सी। मेघदूत बगीचा, जो मेघदूत गार्डन है यह कहाँ पर स्थित है, तो यह इसका आंसर है इंदौर में। मेघदूत गार्डन जो है यह इंदौर में है। मध्य प्रदेश के संविधान का पहला संशोधन, रिक्त स्थान में परिवर्तन, मतलब जब भारत में भारत के संविधान का पहला संशोधन, भारत के संविधान में संशोधन 1951 में पहला संशोधन हुआ था, तो यह संशोधन किसमें किया गया था, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, राष्ट्रपति के चुनाव में, डी प्रधानमंत्री के चुनाव में। तो इसका आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। इसका आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, बी। अगला प्रश्न है, किस नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण और आईएमपी क्वेश्चन है, कई कई बार एग्जामों में अब पूछा गया है बहुत बार। यह है चंबल नदी पर बनाया गया है। चंबल नदी कहाँ से गुजरती है, तो यह मंदसौर जिले से में स्थित है और यह मंदसौर को होते हुए जाती है। तो चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है, इसका आंसर है ए। भारत में सबसे ऊंची मीनार है, भारत की सबसे ऊंची मीनार है, जिन्हें भी पता है वो बताइए आंसर। भारत की सबसे, अपने दिमाग में सोच लिया कीजिए कि इसका आंसर यह है, तो भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, कुतुब मीनार, आंसर है सी। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जिले हैं, तो
इसका आंसर है भारत, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जिले हैं, लगभग उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या देखी जाए तो क्या है, 75। इसका आंसर है बी, उत्तर प्रदेश, यूपी। भोपाल में एकमात्र पर्यटन स्थल है, भोपाल में एकमात्र पारी पर्यटन स्थल है, कौन सा पारी पर्यटन स्थल है भोपाल में, तो उसका आंसर है केरवा बांध। केरवा बांध जो है भोपाल में एकमात्र पारी पर्यटन स्थल है। अबे मधुबनी, ये बहुत बहुत एग्जामों में मेनी टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है कि मधुबनी शैली की चित्रकलाएं प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर है बिहार में जो मधुबनी शैली की पेंटिंग होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, कहाँ पर, बिहार में। इसका आंसर है डी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो हम आपको राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं कि राज्यपाल है ना, ये जो राज्य की कार्यपालिका होते हैं इसका एक प्रमुख होता है, मतलब हर राज्यों में एक राज्यपाल होता है, और ये इसका इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कितने वर्षों के लिए इसकी नियुक्ति होती है, तो 5 वर्षों के लिए इसकी नियुक्ति होती है, और यह कब तक कार्य करता है, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करता है, ठीक है। और राष्ट्रपति, अब आप सभी इसका आंसर बताने में होंगे केपेबल, पूरी तरह से एबल, कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का है। आंसर है सी। यूडीआई, यूडीआई क्या होता है, यू आई डी ए आई। देखिए जो आधार को जब संचालित किया गया, आधार जो आज हर व्यक्ति की, आम आदमी की पहचान के नाम से जाना जाता है आधार, तो ये जो इसको जो पूरे चेयरमैन थे यूडीआई के चेयरमैन, इन्होंने आधार को मतलब जो धरातल पर लेकर आए थे, तो यही लेकर आए थे, और उनका नाम है नंदन नीलेकणी, नाम है नंदन नीलेकणी। आंसर है ए, नंदन नीलेकणी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है, यह सभी को पता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ए 21 जून को, 21 जून को। यह मोदी जी के आने के बाद ही चालू हुआ है, और उन्हीं की पहल पर यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदियां राज्य में, मतलब किस राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, तो मध्य प्रदेश की दो नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, और वो है नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, नर्मदा की लंबाई जो है मध्य पूरी जो है 13 12, मतलब 13,312 किलोमीटर है। नर्मदा पर कई सारे बांध और बांध बने हुए हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश की नदी है। इसका आंसर है बी, नर्मदा और ताप्ती मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, और ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए फेमस है, कई एग्जामों में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसका आंसर है सरोद। जो अमजद खान है, उस्ताद अमजद खान, वो सरोद बजाते, इसका आंसर है ए, ए उस्ताद अमजद अली खान सरोद वादक है, सरोद वादक। ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है कि अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है, तो अजंता की गुफाओं की संख्या आपको हम इस बताने से पहले कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य वो भी बता देते हैं कि जो अजंता की गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। ये भारत में स्थित एक पाषाणकालीन स्थापत्य कला का एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण है, और यह द्वितीय शताब्दी के ईसा पूर्व की है। यह महत्वपूर्ण है कि जो अजंता की गुफाएं वो किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित है, किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित है। पाषाणकालीन गुफाएं कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। और इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, प्रश्न है कि यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, यूनेस्को में इसे
1983 में शामिल किया गया था, 1983 में यूनेस्को में सम्मिलित किया गया था। गुफाओं की संख्या कितनी है? तो गुफाओं की संख्या 29 है, 29। आंसर है सी, 29। अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है? तो 29 है। बौद्ध धर्म से संबंधित है, महाराष्ट्र में स्थित है, यूनेस्को ने 1983 में इसे शामिल किया है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जो 1 टेस्ट शतक लगाने वाला पहला भारतीय, विदेश में 1 टेस्ट शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी है? तो वो है आप सभी जानते हैं या नहीं, सैयद मुश्ताक अली। सैयद मुश्ताक अली इसका आंसर है, ए सैयद मुश्ताक अली, जो कि विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में विदेशी मैदान पर पहली बार शतक लगाया था। इसके लिए इनको बाद में सरकार ने 1963 में, कब 1963 में, पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। सैयद मुश्ताक अली को पद्मश्री से भी सम्मानित किया था, सैयद मुश्ताक अली को। इसका आंसर है ए, सैयद मुश्ताक अली। कंचनजंगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका आंसर है सी, सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। आंसर है सी, सिक्किम। ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसके महत्वपूर्ण कुछ बिंदु आप जान ले कि जो नागार्जुन सागर बांध है, यह आंध्र प्रदेश राज्य में नागार्जुन सागर स्थित है। यह एक नदी घाटी परियोजना है। देखिए, जो नदियों के जल से कोई बांध या कोई परियोजना स्थापित की जाती है तो उसे नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। यह कब स्थापित किया गया था? इस पे तो इस पे 10 दिसंबर, 10 दिसंबर 1955 में, 10 दिसंबर, ये डेट याद रखिए, 10 दिसंबर 10 10 दिसंबर 1955 में इसकी नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह भी नोट कर ली कि भारत का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा बांध है, और यह किस नदी पर है? तो यह कृष्णा नदी पर है। इसको याद रखने का एक और तरीका है कि महाभारत में अर्जुन का साथ किसने दिया था? तो कृष्ण ने दिया था, इसलिए इसका आंसर है सी, कृष्णा। अगला प्रश्न है कि भारत का मंदिर शहर किसे कहा जाता है? तो भारत का मंदिर शहर भुवनेश्वर को कहा जाता है। भुवनेश्वर कहाँ आता है? भुवनेश्वर उड़ीसा में आता है, उड़ीसा या ओडिशा। अब जिन्होंने भी अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज़रूर ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।